लंदन पर आऊं और मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर हूं। तो बेसिकली कल मैंने एक ऐप से तीन आइसक्रीम मंगवाए थे, कोन आइसक्रीम, और इसमें से एक बटर स्कॉच आइसक्रीम था यमो ब्रांड। आइसक्रीम के बीच में पहुंचने के बाद मुझे एक बड़ा सा पीस मेरे मुंह में आ गया। तो मुझे लगा कि कभी कभी आइसक्रीम में बड़ा सा कोई नट रहता है या ऐसे चॉकलेट का पीस रहता है, तो मैंने लकीली मैंने उसको निकल नहीं लिया। तो मैंने निकाला तो मुझे लगा कि पहले कुछ तो भी कार्टिलेज जैसा लग रहा था, तो मैंने देखा कि मे बी किसी चिकन का कुछ तो कार्टिलेज का पीस नहीं है। बट जब मैं एक्चुअली डॉक्टर हूं तो मुझे पता है कि ह्यूमन बॉडी का पीसेस कैसे दिखता है, और जब मैंने अच्छे से देखा उसको, मुझे एक नाखून दिखा उसके। आपने अक्सर सुना होगा कि खाने में कभी छिपकली तो कभी कोई कीड़े मकोड़े मिले हैं, कई बार कांच के टुकड़े और कुछ नुकीली चीजें तक देखने को मिल जाती है। लेकिन मुंबई से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपका भी कलेजा मुंह को आ जाएगा। यहाँ एक शख्स ने ऑनलाइन आइसक्रीम ऑर्डर की थी और जब उसने खाने के लिए आइसक्रीम कोन को खोला और आइसक्रीम का एक बाइट लिया तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, और जब उसने आइसक्रीम कोन को देखा तो उसके होश उड़ गए। शख्स का दावा है कि आइसक्रीम कोन में इंसान की कटी हुई उंगली थी, उंगली में इंसानी नाखून भी था। शख्स ने यमो कंपनी से जवाब मांगा मगर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। शख्स का पोस्ट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद उसने उंगली को एक पैकेट में रखा और पुलिस थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल उंगली को जांच के लिए भेज दिया गया है कि यह इंसानी मांस का टुकड़ा है या नहीं। इस मामले में आगे की कार्यवाही भी पुलिस कर रही है। दरअसल मुंबई के मलाड में एक शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उसने ऑनलाइन ऑर्डर कर कोन आइसक्रीम मंगाई थी, उसे कोन के अंदर नाखून के साथ मांस का एक टुकड़ा मिला। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि संदेह है कि मांस का ये टुकड़ा मनुष्य की कटी उंगली का है और इसे जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस ने आगे बताया कि यह घटना बुधवार को दोपहर में हुई। मलाड पश्चिम में रहने वाले 26 साल के एमबीबीएस डॉक्टर ने यमो कंपनी की बटर स्कॉच कॉर्न आइसक्रीम के लिए ऑनलाइन ऑर्डर दिया था। जब वह दोपहर में खाना खाने के बाद आइसक्रीम खा रहे थे तो कॉर्न में से आधे इंच का एक मांस का टुकड़ा निकला जिसमें खून भी था, जिसके बाद शख्स ने यह मुद्दा उठाते हुए आइसक्रीम कंपनी के इंस्टाग्राम पेज पर इसकी शिकायत दर्ज कराई। अधिकारियों ने आगे बताया कि शिकायत करने पर कंपनी ने कोई उचित जवाब नहीं दिया, जिसके बाद शख्स ने मांस के टुकड़े को एक बर्फ की थैली में रखा और मलाड पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचा। उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने यमो आइसक्रीम कंपनियों के अधिकारियों खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारियों ने कहा है कि संदेह है यह टुकड़ा मानव उंगली का हो सकता है और इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या यह मानव शरीर का हिस्सा है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। लंदन पर आऊं और मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर हूं। तो बेसिकली कल मैंने एक ऐप से तीन आइसक्रीम मंगवाए थे, कोन आइसक्रीम, और इसमें से एक बटर स्कॉच आइसक्रीम था यमो ब्रांड। आइसक्रीम के बीच में पहुंचने के बाद मुझे एक बड़ा सा पीस मेरे मुंह में आ गया। तो मुझे लगा कि कभी कभी आइसक्रीम में बड़ा सा कोई नट रहता है या ऐसे चॉकलेट का पीस रहता है, तो मैंने लकीली मैंने उसको निकल नहीं लिया। तो मैंने निकाला तो मुझे लगा कि पहले कुछ तो भी कार्टिलेज जैसा लग रहा था, तो मैंने देखा कि मे बी किसी चिकन का कुछ तो कार्टिलेज का पीस नहीं है। बट जब मैं एक्चुअली डॉक्टर हूं तो मुझे पता है कि ह्यूमन बॉडी का पीसेस कैसे दिखता है, और जब मैंने अच्छे से देखा उसको, मुझे एक नाखून दिखा उसके, और नीचे का ऐसे फिंगरप्रिंट के निशान भी दिख रहे थे मुझे, और वो ऐसे थंब का एक पीस लग रहा था। तो मैं ऑलमोस्ट कांप गया था, मुझे ऐसे ट्रॉमेटाइज हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने जल्दी से उसको आइस में रखा है और उसको प्रिजर्व किया, तो मुझे वो ऐसे पुलिस को दिखा सकता हूँ कि ये कुछ और भी हो सकता है, कि नेग्लिजेंस हो सकता है, कि किसी का मर्डर का हो सकता है, कि पता नहीं है आजकल।